देखा जाए तो कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं जिनके आधार पर किसी भी एक चीज को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कुछ कॉमन फिजिकल मेंटल क्वालिटीज के आधार पर इंसान को मेल्स और फीमेल्स में बांटा गया है। युगों के साथ भी ऐसा ही है। युगों को बांटने में कॉमन फैक्टर है धर्म के चार पिलर। चार पिलर यानी चार स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। धर्म के ये चार पिलर कौन से हैं, इनका क्या महत्व है, युगों पर ये क्या प्रभाव डालते हैं, नयन को यही बताने जा रहे थे प्रोफेसर श्रीधर, श्रीमद् भागवत पुराण की एक कहानी के जरिए। ये कहानी है श्रीमद् भागवत पुराण से, अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित की। कहते हैं श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद कलयुग आ गया था, लेकिन राजा परीक्षित अपने राज्य को धर्म और न्याय के साथ इतनी अच्छी तरह से चला रहे थे कि कलयुग को उनके राज्य में प्रवेश करने का रास्ता नहीं मिल रहा था। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने जंगल में गए। वहां उन्होंने देखा एक बेहद कमजोर दुखी दिख रही गाय थी और एक बैल था। बैल का सिर्फ एक पैर ही सलामत था, उसके तीन पैर टूटे हुए थे। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा था। उनके साथ एक आदमी था जो उनको बुरी तरह डंडे से मार रहा था। गाय की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राजा परीक्षित को उस आदमी पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, दुष्ट नीच, इन बेचारे जानवरों को सता रहा है, अभी तुझे मृत्यु दंड देता हूं। और राजा परीक्षित ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। वो आदमी डर से कांपता हुआ राजा परीक्षित के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। तभी कलयुग कहता है, मुझे मत मारिए महाराज, ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। मैं और कोई नहीं कलयुग हूं, मुझे ऐसा करने के लिए ही बनाया गया है। ये गाय और कोई नहीं पृथ्वी है। कलयुग के प्रभाव से पृथ्वी दुखी ही रहने वाली है। और ये बैल कोई और नहीं धर्म का स्वरूप है। सतयुग में इस धर्म स्वरूप बैल के चार पैर थे, सत्य तप शुद्धि और दया। सतयुग में इसके चारों पैर सुरक्षित थे, फिर सत्य का एक पैर टूटा जिस वजह से युग परिवर्तन हुआ और त्रेता युग आ गया। त्रेता युग में धर्म तीन पैरों पर खड़ा रहा जो थे तप शुद्धि और दया। त्रेता युग के अंत तक आते आते धर्म का एक पैर और टूट गया जो तप था। तब समय ने शुद्धि और दया के आधार पर द्वापर में प्रवेश किया। द्वापर खत्म होते होते शुद्धि का आधार भी समाप्त हो गया। कलयुग के समय अब धर्म सिर्फ दया के एक पैर पर खड़ा है और मुझे इस पैर को भी तोड़ना है। इस पर राजा परीक्षित बोले, मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते कलयुग, तुम्हें मेरे राज्य से जाना ही होगा। मैं कहां जाऊं महाराज, सृष्टि चक्र के हिसाब से मुझे पृथ्वी पर रहना ही होगा और पूरी पृथ्वी पर आपका ही राज है। मुझे कोई तो ऐसा स्थान दीजिए जहां मैं रह सकूं। राजा परीक्षित ने बहुत सोच विचार कर कलयुग से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें चार स्थान देता हूं जहां तुम रहकर अपना कार्य कर सकते हो। ये चार स्थान हैं जुआ, मदिरा, चरित्रहीनता और हिंसा। इन चार स्थानों पर तुम्हारा निवास होगा। मगर महाराज, सिर्फ इन चार स्थानों पर रहकर मैं अपना काम कैसे करूंगा? ये सब काम तो सिर्फ बुरे लोग ही करते हैं। कोई ऐसा स्थान तो दीजिए जहां मैं भले लोगों के बीच भी रह सकूं। ठीक है, तुम स्वर्ण में भी रह सकते हो। और इस प्रकार कलयुग ने धरती के लोगों के बीच अपने पैर पसार लिए। वैसे अगर इस कहानी को ठीक से समझा जाए तो यहां पर जुआ, शराब, लस्ट गलत आदतों को प्रेजेंट करती है, हिंसा अपराध को, बुराइयों को रिप्रेजेंट करती है, और स्वर्ण मेटेरियलिस्टिक चीजों को, उन सभी संसाधनों को रिप्रेजेंट करता है जिसे पाने के लिए इंसान गलत रास्ता पकड़ने से भी नहीं चूकता, जैसे गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, महंगे शौक वगैरह। जिस इंसान के मन में इन चीजों के लिए लोभ और लालच होता है
वो कुछ न कुछ गलत काम कर ही डालता है। हर गलत सोच, हर गलत काम, हर गलत रास्ता कलयुग को ही रिप्रेजेंट करता है। प्रोफेसर श्रीधर की बात सुनकर नयन को याद आया कि कैसे उसके बड़े भाई ने धोखे से उसकी प्रॉपर्टी हथिया ली। लालच ने उन्हें बदल दिया। सच, यही तो है कलयुग का असर, उसने प्रोफेसर श्रीधर से कहा। इस कहानी में वाकई बहुत से सीक्रेट छिपे हैं सर, मुझे धर्म के चारों पिलर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। जैसे इनका मीनिंग क्या है, ये होते हैं तो क्या होता है, और ये नहीं होते तो फिर क्या होता है? हाँ नयन, पहले हम धर्म के चारों स्तंभों को अच्छे से समझते हैं, इससे हमें युगों को समझने में आसानी होगी। लेकिन इससे भी पहले जो हमें समझना है वो है धर्म। आजकल धर्म को रिलीजन कहा जाता है और रिलीजन बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन अगर धर्म का एक बेसिक मीनिंग निकाला जाए तो वो होगा जीवन जीने का सही तरीका। हमें ये जीवन कैसे जीना चाहिए, इसकी गाइडलाइंस अलग अलग गुरुओं, संतों, अवतारों के द्वारा अलग अलग तरीके से बताई गई हैं, और इन गाइडलाइंस को हम रिलीजन कह सकते हैं। रिलीजन इंसान को कुछ नियम देता है जिनका पालन कर वो सुख, शांति और आनंद से भरा जीवन जी सकता है। जब हम धर्म के चार पिलर्स की बात करते हैं तो इसका जवाब है हमारे जीवन के वे चार मूल आधार कौन से हैं जो जीवन की बेस्ट क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी हैं। तो धर्म का सबसे पहला स्तंभ है सत्य, यानी सच। और सच क्या है? वेदों के अनुसार सच ये है कि इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है, चाहे वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो सब एक ही ऊर्जा से बना है। उस एनर्जी को सुप्रीम एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, पर ब्रह्म, जो चाहे नाम दो, हमारा असली अस्तित्व वही है। हम उस एनर्जी से बनकर उससे अलग नहीं हुए, हम उसी के अंदर हैं, या कहें कि वो हमारे अंदर है और हमारे बाहर भी। जैसे समुद्र से उठता पानी लहर कहलाता है, मगर वो होता समुद्र ही है। समुद्र कुछ देर के लिए लहर बना और वापस समुद्र बन गया। बस ऐसा ही रिश्ता हमारा उस सुप्रीम एनर्जी के साथ, यानी अंतिम सत्य है। बाकी सब इल्यूजन है, भ्रम है, माया है। इस अल्टीमेट ट्रुथ को अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं वही ब्रह्म हूं। सोहम, यानी मैं वही हूं। तत्वमसी, यानी तुम भी वही हो। गुरु नानक ने भी कहा, एक नूर ते सब जग उपजा, यानी एक ही रोशनी से, एक ही ऊर्जा से सब कुछ वजूद में आया है। यह ज्ञान एकमात्र सत्य है और हर धर्म का मूल आधार है। ये सब सुनने में बहुत पुरानी बातें लग रही हैं। आजकल तो लोग खुद को ही भगवान मानते हैं। हाँ नयन, क्योंकि कलयुग में धर्म का यह आधार गिर चुका है, यानी लोगों ने इस सत्य को एक्सपीरियंस करना बंद कर दिया है। मगर सतयुग में लोग इस सत्य को मानते भी थे और एक्सपीरियंस भी करते थे। धर्म का दूसरा आधार तप क्या है सर? क्या इसका मतलब कहीं जाकर तपस्या करना है? नयन की बात सुनकर प्रोफेसर श्रीधर हंस पड़े। सही सवाल तो पूछ रहा था नयन। तप शब्द सुनकर कहीं दूर पहाड़ों, जंगलों में बैठे किसी योगी, ध्यानी की इमेज ही सामने आती है जो तपस्या कर रहा है। मगर तप शब्द का मीनिंग बहुत बड़ा है, जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। यही मीनिंग अब प्रोफेसर श्रीधर नयन को समझाने जा रहे थे। दोस्तों, धर्म के पहले स्तंभ सत्य को जानने के बाद अगले एपिसोड में हम जानेंगे धर्म के अगले तीन स्तंभों के महत्व और विशेषताओं को, जो हैं तप, शुद्धि और दया। किस युग में कौन से स्तंभ जुड़े रहे और किस युग में कौन सा स्तंभ गिर गया, धर्म के स्तंभों के आधार पर कैसे बदलते हैं युग और उस युग के इंसान, यही सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।